भाई साहब, अब जनता को बेला फुसला कर किशन नायक को माफ तो करवा रही है, लेकिन इससे उसका हित होगा, जनता के आक्रोश का क्या? सही है छोटी रानी साहब, राजकुमार सही कह रहे हैं। ऐसे चलता रहा तो फिर हमारी प्रजा हमारी न्याय प्रक्रिया पर विश्वास नहीं करेगी। जिसका हमें डर था ना हर को भाई साहब, वही हो रहा है प्रजा के सामने। किशन भाव जी, गंगूबा काका, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम जनता के फैसले के विरुद्ध गए तो जनता हमारी न्याय प्रणाली पे विश्वास नहीं करेगी। तो लीजिए, मैंने जनता का फैसला उन्हीं के हाथों में सौंप दिया है। मैंने किशन नायक को लेकर न्याय करने का अपना विचार आप सबको सुना दिया है। अगर आप मेरे विचार से सहमत नहीं हैं, तो आप सबके हाथ में जो पत्थर है उसे उठाइए और तब तक किशन नायक को पत्थरों से मारते रहिए जब तक वो मर नहीं जाता। और जब तक आपकी मन की आग ठंडी नहीं हो जाती। लेकिन बस एक चीज याद रखिएगा कि आप सबने क्या चुना है, माफी या आक्रोश, क्योंकि पत्थरों का कोई दिल नहीं होता, लेकिन दिलों में पत्थर हो सकते हैं। हम गलत समझ रहे थे भाइयों, हमें माफ कर दीजिए छोटी रानी। छोड़ दो उसे। छोटी रानी, मैं तो इतना गिर गया हूं आज, आज मेरे ऊपर इतनी मिट्टी गिरी हुई है कि मैं आपसे माफी भी नहीं मांग सकती। मुझे ये जो नया जीवन दान मिला है, ये आप ही की बदौलत है। यकीन मानिए, मेरा पूरा जीवन आपकी ही सेवा में बीतेगा।
चाहिए किशन नायक। यहाँ आइए मौसी। छोटी रानी अहिल्या बाई की, 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 छोटी रानी अहिल्या बाई की। रुक जाइए, ये जय जयकार मेरी नहीं, ये जय जयकार आप सबकी होनी चाहिए। मालवा की जनता की जय जयकार होनी चाहिए, जो इतनी समझदार है, इतनी दयालु है। उस जनता के दिल की जय जयकार होनी चाहिए, जिसमें इंसानियत भर भर के बहती है। और इसीलिए मालवा में कभी भी नकारात्मक शक्ति उदय होगी ही नहीं, और अगर होगी तो वो ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी। रुक जाइए सरकार। अगर ये मल्हार सरकार नहीं है तो मल्हार सरकार कहां गई? जरूर ये अब्दाली की चाल है। नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा तुम्हारी मदद को मल्हार राव, क्योंकि हमने तुम्हारी सेना को गुमराह करके उसे तुम्हारी छावनी में भेज दिया है। आपने कहा था ना कि नजीब की चालों का कोई भरोसा नहीं, तो बस ये चाल भी मेरी ही है। आप नया रास्ता ढूंढ रहे थे और मैं आपको ढूंढ रहा था। दुख की बात कि अब मल्हार राव होलकर पानीपत तक पहुंच ही नहीं पाएगा। मल्हार राव होलकर को तुम जैसे उसे निपटने के लिए किसी से सहायता लेने की जरूरत नहीं, वो अकेला ही काफी है। से तो हम तुम्हें अभी गला दबाकर खत्म कर सकते हैं, लेकिन नहीं, जिंदा छोड़ रहे हैं ताकि जाकर हमारा संदेश आ सको। पानीपत जाकर कह दो अब्दाली से मल्हार युद्ध भूमि में वापस आ रहा है। सरकार आप ठीक तो हैं? और ये जख्म कैसे? जनको जी, हमने कहा था ना, वो नजीब दो महासाब हैं, वही डस गया। लेकिन फिर हमारी भुजाओं में फंस गया।
फिर गया कहां वो? जनको जी, बहादुरी दो किस्म की होती है, एक खुद के मन में और दूसरी दूसरों के डर में। उसे डर फैलाने के लिए हमने छोड़ दिया, और वैसे भी उसका जहर इतना जहरीला नहीं कि मल्हार की जान ले सके। इसलिए आप आज भी बहादुरी की मिसाल माने जाते हैं मल्हार सरकार। नौजवान लड़के हाथ में तलवार लेकर खुद को मल्हार राव होलकर मानते हैं। अक्का साहेब, अक्का साहेब, अरे क्या हुआ होलकू भाई साहेब, आप ठीक तो है ना? इतना हाफ क्यों रही हैं? अरे अक्का साहेब, एक खुशखबरी है, अपने मुक्ता के लिए रतनगढ़ के सरदार के बेटे का रिश्ता आया है, ये देखिए। अरे वाह, ये तो वाकई में खुशखबरी है। और रतनगढ़ के सरदार के पिता संभाजी तो मल्हार सरकार के दोस्त हैं बहुत पुराने, ये तो वाकई में खुशखबरी है। हाँ अक्का साहेब, अगर ये रिश्ता हो गया तो अपनी मुक्ता राज करेगी राज। ये खुशखबरी अब सबको सुनाते हैं। हाँ चलिए। अच्छा, और फिर? और वो बागीचा? मैं ना हमारे कपड़े, मुक्ता हमने कितनी बार कहा है कि हमारे बिस्तर पर आकर मत बैठा करो। हम यही बैठेंगे और इसी कक्ष में रहेंगे। तो हम आज ही आजी से बात करके तुम्हारा इस घर से बाहर निकलने का बंदोबस्त करवाते हैं। बस शादी हो जानी चाहिए। वही नहीं माली राव, आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि आप जो चाहते हैं वही होने वाला है। मुक्ता का आपके कक्ष से कब्जा जल्दी हटने वाला है। चलो अच्छी बात है, अब मजा आएगा। और जी, आप भी दादा का पक्ष ले रही हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, हम आपके दादा का पक्ष नहीं ले रहे हैं, सच कह रहे हैं हम। रतनगढ़ के राजकुमार का रिश्ता जो आया है आपके लिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.